बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जब काका कालेलकर कमीशन 1953 में मिलने के लिए गए, तब कमीशन का सवाल था कि आपने सारी जिंदगी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगा दी, आपकी राय में उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि अगर पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है तो इनके अंदर पढ़े लिखे लोग पैदा करो। काका कालेलकर ये बात समझ नहीं पाए। उन्होंने फिर सवाल किया कि पढ़े लिखे लोगों से आपका क्या तात्पर्य है। बाबा साहेब ने जवाब दिया कि अगर किसी समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर पैदा हो जाए तो उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस वाकये के ठीक 3 वर्ष बाद 18 मार्च 1956 में आगरा के रामलीला मैदान में बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं समझता था कि ये लोग पढ़ लिख कर अपने समाज का नेतृत्व करेंगे, मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास बाबुओं की भीड़ खड़ी हो गई है जो अपना ही पेट पालने में लगी है। यही नहीं, बाबा साहेब अपने अंतिम दिनों में अकेले रोते हुए पाए गए। जब वे सोने की कोशिश करते थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी, अत्यधिक परेशान रहते थे। परेशान होकर उनके स्टेनो नानक चंद्रत्तू ने बाबा साहेब से सवाल पूछा कि आप इतना परेशान क्यों रहते हैं। उनका जवाब था, नानक चंद, जो तुम दिल्ली देख रहे हो, इस अकेली दिल्ली में 10,000 कर्मचारी अधिकारी, ये केवल अनुसूचित जाति के हैं जो कुछ साल पहले शून्य थे। मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया अपने लोगों में पढ़े लिखे लोग पैदा करने के लिए, क्योंकि मैं समझता था कि मैं अकेला पढ़कर इतना काम कर सकता हूँ, हमारे लोग भी पढ़ेंगे तो समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा। मगर नानक चंद, मैं जब पूरे देश की तरफ निगाह डालता हूँ तो मुझे कोई ऐसा नौजवान नजर नहीं आता जो मेरे कारवां को आगे ले जा सके। नानक चंद, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। जब मैं मेरे मिशन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा सीना दर्द से फटने लगता है। जिस महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना परिवार, बच्चे आंदोलन की भेंट चढ़ा दिए, जिसने पूरी जिंदगी ये विश्वास किया कि पढ़ा लिखा वर्ग ही अपने शोषित वंचित भाइयों को आजाद करवा सकता है, जिसने अपने लोगों को आजाद करवाने का मकसद अपना मकसद बनाया था, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग आजकल क्या कर रहे हैं? ये लोग अपनी टीवी और बीवी बच्चों में व्यस्त हैं। इसके कई उदाहरण हैं जो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। कई बार मैं प्रचार करने के लिए उनके घर जाता हूँ तो मुझे ये कहते हैं, यार सॉरी, अभी समय नहीं है, जिम्मेवारी बहुत है, कुछ समय तो बीवी बच्चों को भी देना पड़ता है। अच्छी टेबल या पद लेने के लिए अपने अधिकारियों की चापलूसी करने में ये लोग व्यस्त हैं। ट्रांसफर के डर से किसी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में सहयोग के नाम से इनको डर लगने लगता है। कुछ जिनको राजनीतिक खुजली होती है, वे अपनी जाति का संगठन बनाकर उन पर रोब झाड़ने व संगठन के मालिक बने रहने में व्यस्त हैं। कुछ लोग अति आत्मकेंद्रित हैं, जिनका स्पष्ट मत है कि उनके समाज का कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग शोषण के इतने आदी हो गए हैं कि 3 बंदरों की तरह आँख, कान और जुबान बंद कर गुलामी को ज्यादा पसंद करते हैं। अधिकतर लोग सामाजिक ईमानदार हैं, पर साहस और समझ के अभाव में परिवर्तन के आंदोलन में नहीं जुड़ पाते हैं और दूसरे लोगों के संगठनों या फिर बाबा लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे समाज को भी गुमराह करने लग जाते हैं। कुछ लोग अपनी पोस्ट के गुरूर में चूर हैं। उनको लगता है कि उनकी दुनिया वहीं शुरू और वहीं खत्म है। जब उनका शोषण होता है तब उनको समाज की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग जो सवर्ण जाति के लोगों से ज्यादा संपर्क में हैं, वे खुद बाबा साहेब के विरोधी हैं। वे खुद को सबसे समझदार समझते हैं। बाबा साहेब के जाने के 60 साल बाद हजारों वकील, इंजीनियर, डॉक्टर समाज में बने, फिर भी पढ़े लिखे वर्ग में सुधार होने के बजाय हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। इसलिए बहुजन समाज का विकास होने के बजाय पतन हो रहा है। इसलिए मेरी सभी बहुजनों से विनती है कि समय रहते आज के हालात को देखते हुए संभल जाओ, वरना अपनी बारी का